हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप अभी व्हाइट बोर्ड पर कुछ देखे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तो इस प्रकार के सेंटेंस जब आपके सामने आते हैं तो आप भौचक्के रह जाते हैं। तो आज सीखेंगे इस सेंटेंस का ट्रांसलेट, हम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो इस प्रकार से आपको कहीं जो है सेंटेंस का ट्रांसलेट करना आता है तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे लेट का यूज, जिसमें आपको क्या करना है, लेट का यूज करना है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। यूज ऑफ लेट, लेट का जो प्रयोग आपको जानना है। तो इसमें क्या होगा, जब हिंदी वाक्य के अंत में दो लगा हो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, इस प्रकार से जो है आपको कोई कई प्रकार के जो है हिंदी वाक्य मिलते हैं, तो उसका ट्रांसलेट करने के लिए आपको लेट का यूज करना है। आपके वाक्य की शुरुआत जो होगी लेट से होगी, और आप जो है ये भी ध्यान रखेंगे कि जो है क्रिया में ना नी पीछे लगा होता है। जैसे मुझे जाने दो, तो जाने, तो जाने में क्या लगा हुआ है देख लेते हैं। मुझे जाने दो, ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस का ही भाग है। इम्परेटिव सेंटेंस में इसे हम पढ़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आप जब पढ़ेंगे तो इसको पा जाएंगे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो क्या है, ने लगा हुआ है और हिंदी वाक्य के पीछे दो है, तो इसका जो ट्रांसलेट होगा वो होगा लेट प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे इसका। तो यहाँ हिम, इसका जो है वर्ड लिख लीजिएगा लेट प्लस हिम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो और अदर सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ हमने रख दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा और यहाँ अदर वर्ड कर देते हैं फुल स्टॉप। तो मुझे जाने दो, इस प्रकार के सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट होना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो मुझे जाने दो, तो सबसे पहले लेट, उसके बाद फिर मी, लेट मी गो, मुझे जाने दो, उसके बाद क्या था, मुझे छोड़ दो, इसका होगा लेट मी फ्री, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे छोड़ दो, लेट मी फ्री, मुझे छोड़ दो। यहां लिखा है मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। अब इसमें खाना ये ऑब्जेक्ट एक और भी है, मुझे खाना दो। तो यहां आपको लेट मी, लेट मी गिव फूड। तो इसी प्रकार से आप जो है अनेक सेंटेंसों का ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के बाद आप जो है मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो, ये इंपरेटिव सेंटेंस का जो है ट्रांसलेट करना नहीं भूलेंगे। तो फटाफट मैं आपको कुछ जो है ट्रांसलेट लिखे दे रहा हूं, उसका ट्रांसलेट आप कमेंट बॉक्स में कर डालिएगा और कभी ना भूलने वाला काम करिएगा कि आपका मुंह कहीं खुला का खुला ना रह जाए कोई पूछ ले। तो ये आपके हैं वाक्य, उसे आने दो, मुझे बताने दो, ये आपके लिए है बताने दो, मैं बड़ी मेहनत करता हूं तो आप भी करिएगा, मुझे बताने दो, हमें पढ़ने दो, उनको बाजार जाने दो। ये है आपका वर्ग, उसे आने दो, मुझे बताने दो, हमें पढ़ने दो, उनको बाजार जाने दो। तो इस प्रकार के ट्रांसलेट, हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में करना है। रूल आपका दिया हुआ है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
अदर वर्ड जो और ऑब्जेक्ट आएगा उसका, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लेट के बाद आएगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो मेन वर्ब के बाद आएगा, मेन वर्ब के बाद आएगा। तो आप फटाफट जो है इसका ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और वीडियो को अंत में लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।